हर दिन स्पेस में कड़ी नजरें गड़ाए बैठती है ऐसे ग्रह और सितारे ढूंढने जो हमारे पृथ्वी से किसी भी प्रकार मेल खाते हो। इसकी वजह ये है कि हमें उनकी पढ़ाई करने से हमारे ही ब्रह्मांड और इसके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और क्या पता हमें अपना ही भाई मिल जाए जहाँ हम आगे कभी इंसानियत को पहुँचा सके। लेकिन इस खोज के दौरान हमारे सामने कुछ ऐसे विचित्र ग्रह और सितारे आ जाते हैं कि उन्हें देख के हमें ये यकीन हो जाता है कि ब्रह्मांड के डिक्शनरी में नामुमकिन नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ऐसे ही ग्रहों के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो उन्हें बाकी सभी ग्रहों से इतना विचित्र बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर एक पे है ट्रेस 2b, जिसे केपलर 1b भी कहा जाता है। हमारे नीले ग्रह से लगभग 750 लाइट ईयर्स दूर ड्रेको कॉन्स्टेलेशन में ट्रेस 2b नाम का एक जुपिटर के आकार का गैस जायंट है। पर कुछ तो अजीब बात है इस ग्रह में कि ये जुपिटर के तरह दिखता बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये आपको दिखेगा भी नहीं अगर आप इसके मौजूदगी को किसी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर रहे हो तो। और इसकी वजह ये है क्योंकि ये अपने पे पड़ती 99% रोशनी की किरण को अपने अंदर एक ब्लैक होल की तरह सोख लेता है, और इस वजह से ये ग्रह देखने में कोयले से भी ज्यादा काला है। वैज्ञानिक यकीन से नहीं कह सकते कि यहाँ इतने विचित्र तरह से अंधेरा क्यों है, पर उनका मानना ये है कि इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस हैं जो रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट नहीं। पर जितनी भी रोशनी इस ग्रह पे पड़ती है वो आम ग्रहों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये एक सूरज जैसे मीडियम साइज सितारे के काफी नजदीक में चक्कर लगाता है। इस वजह से यहाँ तापमान भले ही 1100 डिग्री सेल्सियस हो पर फिर भी ये चमकता बिल्कुल भी नहीं है। पर कभी तापमान अगर हद से ज्यादा ही बढ़ जाए फिर ये बहुत ही धुंधली सी लाल रंग की चमक देता है, जैसे एक जला हुआ गरम सा कोयला। अब नंबर दो पे है ग्लीजा 436b। हमारे ग्रह से 430 लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन की तरफ ये ग्लीजा 436b एक ऐसा ग्रह है जो आपकी केमिस्ट्री की अब तक की समझ पर ही प्रश्न खड़ा कर देगा। ये ग्रह वैसे तो एक बर्फीला ग्रह है जिसका एवरेज तापमान रहता है करीब 450 डिग्री सेल्सियस। एक सेकेंड, क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नेप्ट्यून के आकार के इस हाइड्रोजन और हीलियम से भरे विचित्र ग्रह का सतह पूरा बर्फ से लदा हुआ जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही गर्म तापमान में जलते रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इस ग्रह के ग्रेविटी की वजह से संभव हो पाया है, जहां इस आकर्षण बल के कारण ग्रह के सारे पार्टिकल्स आपस में संगठित होके बने हुए हैं जो उन्हें इवेपोरेशन की प्रक्रिया से बचाता है। इसीलिए ये हमें बर्फ जैसे दिखते हैं और आम ग्रहों की तरह ये भाप में बदलकर बारिश भी नहीं ला पाते, बस सिर्फ तपते तापमान में जलते रह जाते हैं। वैसे आप तो जान ही गए होंगे कि इस ग्रह में तो बारिश नहीं आती, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बारिश समस्या का समाधान है तो जरा रुक जाइए जब तक आप इस नए ग्रह के बारे में न जान ले। कैसा लगता है अगर आपको कभी कांच चूक जाए तो? वेल, ये प्लैनेट HD189773b, जो वैसे तो जुपिटर के आकार से थोड़ा सा ही बड़ा है, बट जरा देखिए इस अजूबे को, ये काफी सुंदर नहीं लगता? लेकिन ये सुंदरता हम इंसानों के लिए किसी प्रकार के छलावे से कम नहीं है, क्योंकि ये ग्रह आप पे किसी भी वक्त कांच की तेज बारिश करना शुरू कर सकता है। इसकी वजह ये है कि इसका एटमॉस्फेयर सिलिका के पार्टिकल्स का बना है जो हमें रेती में देखने मिलता है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में हवाएं 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है, जो है आवास की गति से 7 गुना ज्यादा तेज, और इसके साथ साथ तापमान भी 930 डिग्री सेल्सियस है, जो सिलिका को पिघला के कांच में बदलने में भरपूर मदद करता है। अब जरा इमेजिन कीजिए इस कांच की बारिश के बारे में, सोचिए मौसम कैसा होगा, बादलें कैसी होंगी, और वो 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से बहने वाली हवाएं टूटे कांच के कणों को जमीन तक किसी बुलेट की तरह तेजी से फेंकेंगी। वेल, आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो कि नरक के बारे में आखिर किसी ने सच ही कहा है। लेकिन अगर हम नरक की बात कर ही रहे हैं तो कौन भूल सकता है प्लैनेट कोरोट 7b को। इस ग्रह को तो सही मायनों में नरक ही कहा गया है, तो इसके पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। वैसे इस ग्रह का सितारा इस ग्रह के इतना करीब है कि ये पूरा आसमान ही खा जाता है।
माना जाता है कि ये ग्रह भी पहले हसीन दिनों में जुपिटर की तरह एक गैस जायंट था और फिर शायद ही इसे अंदाजा रहा होगा कि ये आगे एक सूरज के ग्रेविटी के चपेट में आके अपने कोर तक खोखला हो जाएगा। वैज्ञानिकों के हिसाब से इस ग्रह के सितारे ने इसके सारे गैसेस वेपराइज कर दिए और अंत में सिर्फ बचा रह गया इसका चट्टानी कोर। लेकिन हमारे चांद की तरह ये ग्रह भी उसके सूरज के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी सिर्फ एक ही भाग हर दम सूरज की तरफ होता है और दूसरा सितारे के उल्टे तरफ। इस वजह से एक भाग में तापमान 2600 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसके पीछे के भाग में सैकड़ों डिग्री शून्य के नीचे। अब नंबर 5 पे है जिसे हम कहते हैं HD 188753 AB। अगर आपने स्टार वॉर्स देखा है तो आपको उसमें एक प्लैनेट टैटोइन के बारे में तो पता ही होगा जिसके दो सितारे थे, पर दूसरी तरफ हमारे ग्रह पृथ्वी का तो सिर्फ एक ही सितारा है, इसीलिए हमें दो सितारे होना भी किसी प्रकार का साइंस फिक्शन लगता है। पर जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ब्रह्मांड में कुछ भी संभव हो सकता है, इसीलिए जिस ग्रह की हम अब बात करेंगे उसके एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन सितारे हैं। जी हाँ, ये ग्रह का नाम है HD 188753 AB। अगर हम इस ग्रह पे किसी तरह रह सके तो सबसे पहले तो हमारे लिए 275 सालों तक कभी रात ही नहीं होगी। इसके अलावा आप अपनी तीन परछाई देख पाओगे और इतने सूरज होने के वजह से ग्रहण तो अक्सर होते रहेगा, पर भूलिए मत आप सबसे खूबसूरत और जादुई सनराइज और सनसेट भी इसी ग्रह में ही देख पाओगे और ये सब हो पाएगा हमसे सिर्फ 340 लाइट ईयर्स दूर। लेकिन जो अगले नंबर पे ग्रह है वो है एक पृथ्वी से लगभग दुगने आकार का चट्टानी ग्रह 55 Cancri E। ये ग्रह इसके नजदीकी सितारे 55 कैंक्री ए के काफी नजदीक है और इस वजह से यहाँ तापमान रहता है लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस। पर ये इसकी खासियत नहीं है, इसकी खासियत ये है कि ये कार्बन से भरा हुआ है जो इतने गर्म तापमान और भारी प्रेशर में विकसित होता है डायमंड्स यानी हीरो में। वैज्ञानिकों द्वारा कैलकुलेशंस बताते हैं कि ये ग्रह का एटलीस्ट एक तिहाई भाग डायमंड से भरा हो सकता है। इसका मतलब अगर आप इस ग्रह की असल मूल्य का अंदाजा लगा सके तो आप जरूर हैरान हो जाओगे। वेल, कैलकुलेशंस बताते हैं कि पैसों में इस ग्रह का मूल्य होगा एटलीस्ट 27 नॉनिलियन डॉलर्स, जो हमारे पूरे पृथ्वी के जीडीपी से 385 क्वाड्रिलियन गुना ज्यादा है। अब जो आखिरी ग्रह जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमसे बस 47 लाइट ईयर्स दूर, जिसे हम कहते हैं GJ 1214 B। इस ग्रह में आप कहीं भी खड़े हो जाओ और आप दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी देखोगे। इसकी वजह ये है कि पानी इस ग्रह के टोटल मास का 10% हिस्सा है, जहां हमारे ग्रह में पानी का टोटल मास सिर्फ 0.005% ही है। इस वजह से इस ग्रह का पूरा सतह एक ही विशाल से महासागर से भरा हुआ है जिसकी गहराई एटलीस्ट 200 किलोमीटर है। इस विशाल से महासागर के एकदम तट तक पहुंचने के बाद आता है इसका कोर, जो एक बहुत ही अद्भुत से एलिमेंट से बना है जिसे हम कहते हैं आइस 7। ये सुनने में तो आइस यानी बर्फ की तरह लग रहा है, लेकिन ये बर्फ किसी भी आम बर्फ की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बर्फ असल में ठंडा ही नहीं है। ये बर्फ इस ग्रह में शून्य से नीचे तापमान होने के वजह से नहीं बना है, बल्कि ये बना है इस विशाल से महासागर के ग्रह के भीतर डालते खतरनाक प्रेशर से। सैकड़ों किलोमीटर गहरे पानी ने इतना प्रेशर नीचे डाला है कि यहाँ पानी अपने तरल दशा में रहा ही नहीं, बल्कि आपस में कंप्रेस होके संगठित हो गया है सॉलिड स्टेट में। अब मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो काफी अजीब है। एक ऐसा बर्फ जो छूने पे ठंडा है ही नहीं, यहाँ पृथ्वी पे तो ऐसा कुछ देख पाना बिल्कुल नामुमकिन ही है। तो ये थे सारे विचित्र प्लैनेट्स जिनके बारे में जान के आपको हैरानी जरूर हुई होगी। अब आपको इनमें से सबसे ज्यादा विचित्र कौन सा लगा, कमेंट जरूर करना नीचे, हम जानना चाहेंगे। मुझे पर्सनली तो HD 189773 B लगा, जहाँ कांच की बारिश होती है, क्योंकि किसी भी ग्रह में आसमान से कांच 8700 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गिरना अपने आप में ही एक बड़ा अजूबा है। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब